पुंछ के शहीदों का आज अंतिम संस्कार होना है। पैतृक गांव पहुंचा है शहीद करण कुमार का शव। कानपुर में शहीद करण का अंतिम संस्कार होगा और वहां पर अब उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। लोगों का हुजूम दिख रहा है। रिश्तेदार, आसपास के लोग और आसपास के पंचायत के बगल के लोग आप देखेंगे, प्रशासन वहां पर मौजूद हैं और सभी लोग अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। जो उनका पार्थिव शरीर है करण कुमार का, वो वहां पर पहुंच चुका है उनके गांव में। कानपुर से शहीद करण कुमार के घर से संजय त्रिपाठी जुड़े हैं और बिहार के नवादा में वहां पर भी जो शरीर है, पार्थिव शरीर, वह चंदन कुमार का पहुंचेगा। तो शशांक वहां से रिपोर्ट हमें देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कानपुर से शहीद करण कुमार के घर से संजय त्रिपाठी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। संजय, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए करण कुमार का घर इसी रास्ते पर है और अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से जो करण कुमार का जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर के जो वाहन है आर्मी का वो निकला है। और ये पूरा रास्ता, ये पूरा जो प्रमुख मार्ग है बिठूर से चौबेपुर का, ये पूरा का पूरा मार्ग जो है वो गाड़ियों से पटा हुआ है। बड़ी संख्या में, ये कहूँगा हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं और सभी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए करण कुमार को यहाँ पर आए हुए हैं। शहीद का शव यहाँ से निकला है और अंत में गाना जो बज रहा था, कर चले हम फिदा जान और तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस गीत के साथ में करण कुमार का पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाया गया है और आगे बिठूर घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि आधे किलोमीटर दूर तक यहाँ जो जिस गाड़ी से करण कुमार का शव ले जाया गया है वो पहुँच चुका है। बावजूद इसके जो उनके गाँव से निकलने वाला रेला है, जो उनको अंतिम दर्शन, उनके अंतिम दर्शन करने वालों का रेला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो वाहन है वो बिठूर के घाट की ओर जा रहे हैं और दाएं ओर का रास्ता बंद करना पड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ उमड़े हुए हैं शहीद करण सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये तांता लगातार लगा हुआ है। कानपुर से गांव के लिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी लगातार आपको दिखा रहे हैं शहीद करण कुमार का जो पार्थिव शरीर है वो घर पहुंचा और अब उन्हें अंतिम विदाई के लिए शमशान घाट की ओर ले जाया जा रहा है। अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको लिए चलते हैं बिहार के नवादा, वहां से हमारे संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं। शहीद चंदन कुमार के घर से 5 बजे के आसपास तक का वक्त रखा गया है, वहां पर जो पार्थिव शरीर है शहीद चंदन का वो पहुंच आएगा, यही वक्त रखा गया। शशांक, अब क्या अपडेट है? जी देखिए, अपडेट यही है कि विशेष विमान से, सेना के विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर गया एयरपोर्ट लाया गया है, वहां पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसके बाद सड़क मार्ग से इसी गांव में उनके हम खड़े, यहां पे पार्थिव शरीर लाया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। उनके भाई हमारे साथ खड़े हैं, अभिनंदन नाम है, क्या अभी श्रद्धांजलि दी जा रही है वहाँ गया एयरपोर्ट पे? जी श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसके बाद का क्या कार्यक्रम है? उसके बाद उनके नवादा लाया जाएगा, उसके बाद उनका बॉडी मतलब उन सम्मान के साथ उनको पूरा वारसलीगंज घुमा के पूरा उसके बाद नारुमुरार घर लाया जाएगा। और रिसीव करने कौन गया आपके परिवार से वहाँ एयरपोर्ट पे? बड़ा भाई है। क्या नाम है उनका? पीयूष कुमार। तो देखिए, परिवार के कुछ सदस्य भी जो हैं अभी गया एयरपोर्ट पर हैं, वहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। इनके बड़े भाई भी वहाँ पे गए हैं और बाई रोड यहाँ गाँव में लाया जाएगा और फिर अंतिम संस्कार उनका होगा। जी, तो गया तक पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, अब उन्हें रोड से मतलब वो सड़क मार्ग से अब गांव तक ले आया जाएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।